हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ वो है आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो क्या सिचुएशंस चल रही हैं अभी उनकी लाइफ में, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। जब मैं इन कार्ड्स को शफल करूंगी तो आप अपने पर्सन का इमेज दिमाग में रखिएगा और उनका नाम 3 बार रिपीट करके इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ और आप इनके साथ रेजोनेट कर पाएँ। चलिए, मैंने शफलिंग स्टार्ट कर दी है। आप अपने पर्सन का नाम रिपीट कीजिए जिस किसी के भी बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कार्ड्स के साथ। आपकी एनर्जीज हम यहाँ पर फील कर पाते हैं जब आप वहाँ पर रीडिंग देख रहे होते हैं। तो चलिए, कनेक्ट कीजिए कार्ड्स के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट करें। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं रीडिंग को। कार्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि इनके पर्सन अभी इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स, क्या है उनकी करेंट सिचुएशंस। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या चल रहा है उनके मन में। तो कुछ पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट बताएंगे और कुछ फ्यूचर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड्स। मैं स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पर, आप कनेक्ट कीजिए कार्ड्स के साथ। रैंडम कार्ड में ओपन करना स्टार्ट करूँगी और वहाँ से हम फीलिंग्स को लेना स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की। ठीक है, चलिए कनेक्ट कर लीजिए फटाफट से कार्ड्स के साथ और देखते हैं ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। फाइन, ठीक है। तो ये स्प्रेड मैंने अभी कर लिया है एंड एक रैंडम कार्ड मैं ओपन करती हूँ, फिर देखते हैं ये कार्ड्स क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है फर्स्ट। फाइन, ओप्स। चलिए देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, मैं थोड़ा सा पास्ट इसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा सा चाइल्डिश पर्सनालिटी है, थोड़े से केयरलेस हैं, थोड़े इमेच्योर हैं। ठीक है, एंड जो उनका जो डिसीजंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं लेते हैं, रैंडम डिसीजंस लेते हैं। जो उनके मन में जब आता है वो डिसीजन लेते हैं और करने निकल जाते हैं। इस तरह का कुछ इनका नेचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड जो आपके ये पर्सन हैं वो उनके जो थाट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। थोड़ा सा उनका इमेच्योर बिहेवियर ज़्यादा रहता है, अपने में ही मस्त रहते हैं, ज़्यादा उनको दुनिया से किसी से मतलब रहता नहीं है। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है इनकी, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इनके। ठीक है, दो स्वॉर्ड्स के साथ कंटिन्यूस आ गए हैं। देखिए फिर यहाँ पे फूल्स का कार्ड उनकी फिर से पर्सनैलिटी को मुझे यही दिखाता है कि जो उनका बिहेवियर है, जो उनका नेचर है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है उनका, राइट। अपने में और फ्रेंड्स के साथ और सराउंडिंग्स के साथ मस्त रहते हैं, अपना जो फ्रीडम है उसको उसके साथ अपनी लाइफ जीते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इनको आपस में पसंद नहीं है, लेकिन कहीं भी एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। इन्हें घूमना फिरना, मौज मस्ती, पार्टी करना सब इनको बहुत पसंद है। इनकी देखो, इनका ऑल्दो इनका करियर बहुत अच्छा है, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन इंटेलिजेंट भी है, इनके पास कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, इनकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत है इनके पास। जिस काम में हाथ डालते हैं इनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं ये कि कुछ भी डिसीजन लेके और चल पड़ते हैं, बिना सोचे समझे ये कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। फूल्स की जैसे एनर्जी है इनकी, मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे चालू कर दो, देखना नहीं आगे क्या होना होगा, पीछे क्या होगा, इस काम की वजह से कुछ सफ़र करना पड़ेगा, कुछ नहीं इनको सोचना होता और बस ये करना शुरू कर देते हैं और निकल जाते हैं।
आपने कई बार रोकने की कोशिश की है कि ये काम मत करो, इनके फ्रेंड्स ने, इनकी फैमिलीज कई बार इनको रोकती है कि ये काम करने से ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ फ्रीडम से इनको जीनी होती है, जिसकी वजह से कई बार इनको सफ़र करना पड़ा है। ये इमोशनली ब्रेकडाउन हुए हैं, इनका हार्ट कई बार ब्रेकडाउन हुआ है, कई बार इनको दर्द, तकलीफ, पेन से गुजरना पड़ा है, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। ये जो हरकतें करते हैं इसकी वजह से ये अंधेरे की तरफ चले जाते हैं, ये वॉक अवे कर जाते हैं, राइट। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें ये अपने, देखिए किंग ऑफ कप्स का एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपकी और इनकी एनर्जी क्वीन एंड कप्स किंग की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो इनके साथ रिलेशनशिप में थे, अगर अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन पहले आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो किंग एंड क्वीन के जैसा चल रहा था, सोल मेट्स के जैसा चल रहा था, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर थे एक दूसरे के, बट कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कुछ इनके बिहेवियर की वजह से, जो जिस तरीके से ये बात करते हैं या जिस तरीके से आपको कुछ भी ये बोल देते हैं बिना सोचे समझे, इन्होंने आपसे जो भी कुछ बोला है उसकी वजह से जो भी आपका रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती चली गई और इनको भी हार्ट पेन हुआ और आपको भी हार्ट ब्रेक हुआ, राइट। आपके साथ इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है, काफ़ी अभी ये गिल्ट में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों, देखो मैंने बताया अभी बिना ओपन किए मैंने आपको बता दिया था कि किंग एंड क्वीन का सेट यहाँ पर आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट एनर्जी में थे पहले। लवर्स का भी कार्ड यहाँ पर आ गया है, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा था, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सब चीज़ें एफर्ट्स डालते थे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर हार्ट ब्रेक, बहुत ज़ोरदार हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ में आया जिसने ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। आपके जो, आपको जो गिल्ट इन्होंने दिया है ना, आपने सही टाइम पर, देखो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, और ये ऐसा आपको लगता है, राइट, कि इतनी दूरियाँ जो आ गई हैं आप दोनों में, इतना अच्छा आप दोनों का रिलेशन चल रहा था, है ना, सब कुछ और ख़राब होता चला गया, परेशानियाँ आती चली गई आप दोनों की लाइफ में, काफ़ी गलत चीज़ें हुई आपके साथ, है ना, आपके बारे में गलत और उल्टा सीधा बोला भी गया है यहाँ पर जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इन्होंने ही बोला है, जो कि ये इनको अभी अब गिल्ट लग रहा है, अब इनको फील हो रहा है कि आप, इन्होंने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें बोल दी, क्यों बोल दी इन्होंने, है ना। आपने कोशिश तो की इनको, देखो काम सही करने की, बातें ठीक करने की और मामला सब सही करने की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की, जो भी इनको आपसे प्रॉब्लम थी वो आपने बोला भी कि हम सब बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, ठीक है, ये दिल की कम सुनते हैं, राइट, जो मुझे दिख रहा है ये दिल की सुनते नहीं है, अपना करना है इनको, अपने से ज़्यादा मतलब है, ये सेल्फिश नेचर के ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, राइट। देखो प्यार तो करते थे आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी क्या हुआ है, ये ऊपर ऊपर वाला प्यार होता चला गया धीरे धीरे, कि बस दिखा रहे थे आपको। देखो सी, आप देख सकते हो फूल्स के ऊपर चैरियट का कार्ड, मतलब जिस तरीके से ये मौज मस्ती में अपनी लाइफ जीते थे ना, ये कहीं ना कहीं अब दुविधा में भी आ जाते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है, राइट। तो इसमें क्या हुआ है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आप में भी इन्होंने कुछ गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी, ठीक है। जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, मैंने अभी आपको बताया, जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, उसने इनके कान में इतने ज़्यादा जहर आपके बारे में घोलना शुरू कर दिया कि उसमें, मतलब वो अगर गलत भी है इंसान, ऑब्वियसली गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, तो उसमें उसकी बातों में तो उसको अच्छाई दिखने लगी, और आप सही थे, और आपकी बातों में इसको गलत फहमियाँ और झूठ, मक्कारी, ये सब चीज़ें आपकी बातों में दिखने लगी, ठीक है। आपने इसको समझाने की भी कई बार कोशिश की है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मैंने नहीं किया है, फालतू तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ना, इसका जो कर्मा है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इन दोनों ने आपके साथ उल्टा सीधा किया, या जो भी आपके साथ इन्होंने पेन दिया, आपके लिए जो भी इन्होंने गलत किया आपकी लाइफ में, आपको छोड़ के चले गए, आपको पेन में छोड़ के चले गए, तो उस चीज़ का मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो आपके जो पर्सन है, या तो वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, मैरिड हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन आपको छोड़कर उनसे शादी करने वाले हैं,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी, अभी थर्ड पार्टी के बारे में मैं थोड़ा अभी देखने की कोशिश करती हूँ कि थर्ड पार्टी का अभी क्या चल रहा है। देखिए, आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइजेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये डिसीजन गलत लिया। मैंने बोला ना कि आपके में भी गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, और आपके में तो गलती दिख रही है और उसके में उनको अच्छी चीज़ें दिख रही थी, इस करके वो उनकी तरफ चले गए। जो थर्ड पार्टी है उसने अपनी तरफ उनको खींचने की कोशिश की। अब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में उल्टा सीधा बोलकर आपसे जो चले गए ना, अब उस चीज़ में ये मुझे अटके हुए लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, इनको अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने जो किया वो गलत किया है ना। आपके जो पर्सन है वो उसको, थर्ड पार्टी जो है उसको उंगलियों पर नचा रही है, जैसा वो चाहती है वैसा वो करवा रही है, ठीक है। एंड जो आपके पर्सन है वो उसके इशारों पे नाचते हुए और टंगे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, है ना। इसने आपको छोड़ा है ना, मैं ये बोलूँगी कि इसने आपको छोड़ तो दिया लेकिन बहुत बड़ी इसने गलती करी है यहाँ पर, है ना। आपको देखो, आपको छोड़ने की कोई मेजर वजह मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ ये थर्ड पार्टी ने जो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। छटपटा बहुत रहे हैं आपके ये पर्सन, राइट। पर और ये और बताइए कि यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वांड के ऊपर क्वीन ऑफ कप्स, देखिए कोई तो मुझे फीमेल दिखाई दे रही है, कोई फीमेल पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में जिन्होंने ये मैनिपुलेशन किया है, ये बीच में आग लगाई है और किसी थर्ड पार्टी को, देखो क्वीन के ऊपर क्वीन का कार्ड है तो ये किसी फीमेल ने इम्प्लांट किया है किसी थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है कि ठीक है, आप कोई तो फीमेल पर्सन ऐसी है जिसने इम्प्लांट किया है किसी थर्ड पार्टी को। अब ये आप देखो कौन हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी ऐसे रिश्तेदार लवर्स के बीच में। देखिए राइट का कार्ड आया है लवर्स के ऊपर, जो कि मुझे साफ साफ चीज़ें स्टक दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें इनको मैनिपुलेट करके इनके बीच में इम्प्लांट किया गया, जिसकी वजह से ये आपके पास आना इन्होंने बंद कर दिया, या आपसे बात करना बंद कर दिया, या आपसे रिलेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये सीधे सीधे मुझे फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बाहर से तो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके अंदर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दर्द, दुख, फ्रस्ट्रेशन, तकलीफें, गिल्ट, ठीक है, ये सब इनके चल रहा है। ये आप आसपास में बड़ा इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, लेकिन ये जो खुशी ये दिखा रहे हैं ना, ये फेक खुशी है, ठीक है। एंड पर देखो, इनको खुद ही अब समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये थर्ड पार्टी को जो इम्प्लांट किया गया है ना ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में, दैट वॉज नॉट गुड, ठीक नहीं थी ये थर्ड पार्टी, बिल्कुल भी इनके लिए सूटेबल नहीं थी, राइट। अगेन देखो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन के ऊपर, राइट। इसका मतलब जो भी ये पर्सन है जिसने ये इम्प्लांट किया है ना थर्ड पार्टी बीच में, उसके इशारों पर ये नाचते हैं। तो डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया, या मदर है या सिस्टर है या कोई तो भी इस तरीके की फीमेल पर्सनालिटी है जो इनको अपने इशारे पर नचाती है, और आपको दूर करने के लिए, आपसे दूरियाँ मेंटेन कराने के लिए, आपको अलग करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लांट की हैं और कुछ ना कुछ इस तरह का इन्होंने डाला है बीच में, ठीक है। और इनका जो भोलापन है, ये जिस तरीके के इंसान है, इनको इनके दिमाग में चीज़ें भरी गई हैं, ठीक है, कान के कच्चे हैं ये, साफ मैं आपको बता दूं, ये जो जैसा बोलता है ये वैसा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, राइट। जिसका फ़ायदा किसी और ने उठाया और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। हार्ट ब्रेक क्यों आया है, देखो, अरे बाप रे, आपके बीच में अगर ये सब चल रहा है तो मेरे को फटाफट से ना नीचे यस लिख के दो, क्योंकि ये जो कार्ड एक के ऊपर एक लग रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी बनाते चले जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र है, राइट। तो आप नीचे मुझे यस क्लेम करो अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि इम्प्लांट की गई है थर्ड पार्टी, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये इतनी बुरी तरीके से आपको गिरा के, आपको नीचे दिखा के, आपको गालियाँ देकर, आपको उल्टा सीधा सुनाकर, मतलब इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए कि तू ऐसी है या तू वैसा है, तूने गलत किया, तू बुरे नेचर का है, तू लालची है, तू फलाना, मतलब झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर डाले गए, ठीक है। और आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए गए, आपने समझाने की बड़ी कोशिश की कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ये ऐसी नहीं हूँ, ये सब मैंने नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लड़ाई झगड़े इतनी बुरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। देखो, कोई ना कोई आके बहुत गंदी तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया, मतलब मैनिपुलेट किया गया है आपके पर्सन को, राइट। लेकिन अब तो ये क्या है ना, ये देखो, तभी ये हार्ट ब्रेक के ऊपर ये मून का कार्ड है, राइट।
तो ये ना इतना खंजर आपके दिल में घोपे गए हैं कि आपको ये इतने इतने बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया गया है, जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? इस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं, राइट? आपको आपके छुपे हुए बहुत सारे, आपके छुपे, देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो छुपे हुए एनिमीज हैं आपके, राइट? इस तरह के बहुत लोग हैं आपके आसपास जो दुश्मन हैं आपके। एंड मैं अभी कुछ आपकी फीलिंग्स देख रही हूँ। देखो आप अभी, आपने बहुत कोशिश की इनको मनाने की, फर्स्ट पटाने की, या आपने इनको समझाने की, पर ये नहीं समझे, ठीक है? तो आपके जो इमोशंस यहाँ पर आ रहे हैं कि आप भी, आप यहाँ से चले जाना चाह रहे थे तो आप यहाँ से चले गए हो, ठीक है? आप ही निकल गए यहाँ से। आप कई बार आपने कोशिश की सब चीज़ें ठीक करने की, पर नहीं हुआ, ठीक है? आप चले गए, आपने इनको छोड़ दिया, और ये चीज़ें आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं आप अभी फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, राइट? देखो फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और आपकी क्या आ रहा है, देखो आपकी लाइफ में ये तो, देखो आपकी लाइफ में ना मुझे कोई और अच्छा इंसान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई एंट्री ज़रूर आपकी इसमें लाइफ में हो रही है। जो आपका ये लॉस हुआ है, जो भी आपका ये इस तरीके की, ये जो लाइफ में लॉस हुआ है, ये आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी इनसे शादी नहीं हुई थी, तो आगे एक बहुत अच्छा प्रपोजल आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको आगे हैप्पीनेस देगा, खुशी देगा, राइट? हो सकता है आपके पेरेंट्स ने या किसी ने आपको ये इस तरह की बातें की भी हो कि उसको छोड़ दे, उसको भूल जा, हम तेरी शादी कहीं और कराते हैं, किसी और से बात कराते हैं, कोई और इंसान हमने तेरे लिए देखा है। तो ये सब चीज़ें वो आपकी फैमिली आपके लिए कर रही है, ठीक है? अगर देखो ये मुझे ट्रस्टवर्दी इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगर ये आपको इतनी तकलीफ़ में छोड़ के अगर ये गया है या गई है, तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप आगे देखो, ठीक है? सी दिस, हुआ ये, आई वॉज वेटिंग, मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड तो आना ही आना है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में बहुत अच्छा, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये सब पास्ट में था, ये सब इस इंसान के साथ था, ये आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जो नया इंसान है इसके साथ अगर आप जाते हैं, तो आपको फाइनेंशियली भी अच्छा, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी, और आपकी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हो वो आपको ज़रूर ज़रूर से मिल जाएगा। लास्ट का कार्ड मैं आपके लिए एक और निकालना चाहूँगी। वाओ, देखिए डेथ का कार्ड आया है, तो ये पुरानी चीज़ें ख़त्म करने का इंडिकेशन है, ये गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए कि ये सब चीज़ें पुराना आप ख़त्म करो। अगर वो जा चुका है आपकी लाइफ से, या जा चुकी है आपकी लाइफ से, और किसी और के साथ सेटल हो गई है, वॉट एवर उसकी लाइफ में चल रहा हो, ठीक है? तो आप एक न्यू बिगनिंग करो। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो, एक एक आप लाइन लिखो नीचे कि ये सब भूल कर मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, ये सब ख़त्म करके मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ मैं, ठीक है? मैं ये सब भूल जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और अपनी लाइफ को नई तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। फटाफट मैनिफेस्ट करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये एक यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ो, दुख तकलीफें सब खत्म करके मैं न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, राइट? तो ये गाइडेंस था यूनिवर्स का आपके लिए कि ये सब चीज़ें आप भूल जाएं, अपनी लाइफ को आगे सेट करें, ठीक है? आगे फ्यूचर में जाइए, आगे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे आपके लिए बहुत अच्छा पर्सन वेट कर रहा है। अगर नहीं आया है कोई आपकी लाइफ में, तो आने वाला है, डेफिनेटली आएगा। फॉरगेट दिस पर्सन, क्योंकि इतना इतना दुख मुझे यहाँ, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं जो सब चीज़ें इसने आपके साथ की हैं, राइट? अगर आप मैरिड हैं तो भी, आप अनमैरिड हैं तो भी, अगर आपके बच्चे हैं तो भी, आप लिव इन में रह रहे हो तो भी, वॉट एवर इज़ द केस, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं। मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उस तकलीफ़ को, उस दर्द को जो आपने झेला है, ठीक है? वो आपको पता है सेल्फ, लेकिन गाइडेंस यूनिवर्स का यही लास्ट आपके लिए आया है कि जो आप जगल करते दिख रहे हो पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, उसमें नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, न्यू बिगनिंग आपके लिए वेट कर रही है, राइट? तो पास्ट भूल जाइए और प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, राइट? अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, कहीं और इन्वॉल्व करो खुद को, राइट? और ये नई बिगनिंग का वेट करो, नए लोगों का वेट करो, नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर में आगे बढ़ो, एंड रिमेन हैप्पी, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है? जो पास्ट में गया उसको पास्ट में छोड़ दीजिए, राइट? तो ये थी आज की रीडिंग, ये थी
यूनिवर्स की गाइडेंस, बजरंग बली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए क्या बोलती है। चलिए थैंक यू, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।